हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजन कुमार एंड यू आर वाचिंग राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट टू। ये जो है, मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड की है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी डेट में आया हुआ एक और वीडियो है जो मैंने सुबह अपलोड किया था, तो वो भी ज़रूर देखें। और ये उसका सेकेंड पार्ट है, क्योंकि चैप्टर 10 में मुझे जो भी MCQs मिले वो करीब 25 थे, तो 25 से ज़्यादा ही हैं शायद। तो पिछली वीडियोस में मैंने कुछ कवर किए हैं और अभी कुछ कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो करीब 15 हैं, तो आप देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू विच लॉ, ठीक है, किस लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस दैट आर सेटिस्फाइंग एंड प्लीजरेबल, ऐसे एक्सपीरियंस जो बहुत सेटिस्फाइंग और प्लीजरेबल होते हैं, जिनमें मज़ा आता है, जिनमें प्लेजर मिलता है, वो हमारे साथ में कंटिन्यू रहते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के साथ में कंटिन्यू रहते हैं, एंड दे हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग, और उनका जो इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है हमारे सीखने पर, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं, इस इफेक्ट को हम कहते हैं द लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। ये एक हमारा MCQ कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हमें ए ऑप्शन लगाना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। दिस लॉ स्टेट्स दैट द प्रैक्टिस और रिपीटेशन ऑफ एन एक्सपीरियंस मेक्स इट मोर लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि इसमें इस लॉ के अंतर्गत, कौन से लॉ के अंतर्गत, जो प्रैक्टिस होती है और जो रिपीटेशन होता है, हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, किसी चीज़ का रिपीटेशन करते हैं, ठीक है, किसी भी एक्सपीरियंस का रिपीटेशन करते हैं, तो उस वो हम वो कोई भी चीज़ अगर हमने सीखी है तो उसको जब हम बार बार रिपीट करते हैं उस एक्सपीरियंस को, तो हम उसको लंबे समय तक अपने साथ रख पाते हैं उस चीज़ को, ठीक है, उस एक्सपीरियंस को। तो ये है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि हम एक्सरसाइज अगर करते रहते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो हमारे साथ लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द थिंग्स दैट हैव बीन लर्नड रिसेंटली कैन बी ईजिली रिमेंबर्ड एंड रिकॉल्ड, यानी कि जो भी चीज़ें अभी हाल ही में सीखी हुई होती हैं उसको हम आसानी से रिमेंबर कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, तो इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिसेंसी, ठीक है, लॉ ऑफ रिसेंसी, ठीक। बहुत इजी इसमें क्वेश्चंस हैं ये, तो प्लीज़ आप अच्छे से इसको कीजिए। और जब भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जैसे अभी आप मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो आप इसको लिख भी सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। और अगर आप लिखते हैं तो आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है, बहुत अच्छा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लॉ ऑफ इंटेंसिटी, ये मैंने लिख दिया है, इसमें कोई मल्टीपल चॉइस नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल आपको ये बता देता हूँ। लॉ ऑफ इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इफ़ द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, अगर जब हमें कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, अगर उस ट्रेनिंग को एक्साइटिंग बना दिया जाए, एंगेजिंग बना दिया जाए, तो जो एक स्टूडेंट होता है, ठीक है, वो काफ़ी हद तक एबल टू रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है, लीडिंग टू बेटर लर्निंग, यानी कि तो वो चीज़, कोई भी चीज़ जो एक स्टूडेंट, एक इंडिविजुअल सीख रहा है, तो वो लंबे समय तक उसके साथ में रहती है, और उस इस चीज़ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंटेंसिटी, अगर ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बनाया जाए, इंगेजिंग बनाया जाए, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। द थिंग विच इज़ लर्नड फर्स्ट हैज़ द मैक्सिमम इफेक्ट ऑन लर्निंग, लॉ ऑफ प्राइमेसी। लॉ ऑफ प्राइमेसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो लॉ ऑफ प्राइमेसी बोलता है, इसमें बताया गया है कि जो भी चीज़ हम पहले सीखते हैं उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, मैक्सिमम इफेक्ट होता है उसका हमारी लर्निंग पर, जो भी चीज़ हम पहले सीखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एटीट्यूड, यानी कि जो हमारा आउटलुक होता है, ठीक है, टूवर्ड्स समथिंग, ठीक, प्लेज अ मेजर रोल इन लर्निंग। हमारा एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है, हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारा कैसा रवैया है किसी भी चीज़ के तरफ, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एटीट्यूड। अगर हमारा एटीट्यूड जैसा भी हमारा एटीट्यूड होता है, वैसे ही हम अपनी लर्निंग पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। लर्निंग इज मोर इफेक्टिव, लर्निंग बहुत इफेक्टिव बन जाती है जब एक स्टूडेंट्स को, ठीक है, जब स्टूडेंट्स आर गिवन द फ्रीडम टू चूज़ व्हाट टू लर्न, जब हम स्टूडेंट्स को आज़ादी देते हैं कि वो क्या सीखें, ठीक है, और वो क्या एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जो वो एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं लॉ ऑफ फ्रीडम। जब हम लॉ ऑफ फ्रीडम के अंतर्गत काम करते हैं, तो स्टूडेंट्स को हम आज़ादी दे देते हैं कि वो क्या पढ़ें, क्या एक्शन लें और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट सीख रहे हैं, और आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, तो उसके अंतर्गत भी इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि
इसलिए रखा गया क्योंकि अब सब्जेक्ट काफ़ी हद तक हम अपनी चॉइस से ले सकते हैं, वैसे अभी भी चॉइस से लेते थे, लेकिन अब इसमें बहुत सारी हमें कई सारे सब्जेक्ट्स को आसानी से ले पाए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एट, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अकर्स व्हेन अ पर्सन लर्निंग इन वन सिचुएशन इन्फ्लुएंसेस हिज लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इन अदर सिचुएशन। यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब यहाँ पे है कि जब एक व्यक्ति की लर्निंग अगर एक सिचुएशन में जो उसने लर्न किया था कभी, तो जब दूसरी सिचुएशन में, ठीक है, वो लर्निंग और वो परफॉर्मेंस काम आती है या उस दूसरी परफॉर्मेंस दूसरी लर्निंग को प्रभावित करती है, तो हम उसको कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जो कि ये किसके द्वारा दिया गया था, ये कहा गया है, ये डेफिनेशन कही गई है बिगे के द्वारा। ठीक है, तो हम ए ऑप्शन यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चन तो बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ ये मैं आपको बता दूँ कि मैं कुछ मैंने ऐसे ही ये जो सेंटेंसेस हैं ये लिख रखे हैं जो, ठीक है, इनमें कोई भी मल्टीपल चॉइस नहीं दिया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखे हैं। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, व्हेन द लर्निंग ऑफ वन स्किल, यानी कि जब हम किसी एक स्किल को सीख लेते हैं और वो स्किल एनहेंस करती है दूसरी स्किल को सीखने के लिए, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक, इसको आप बार बार सुने, मेरी जो वीडियो है इसको अच्छे से देखें ताकि आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द लर्निंग ऑफ वन स्किल हिंडर्स द लर्निंग ऑफ अनदर स्किल। यानी कि अगर हमने कोई एक चीज़ सीखी और उस चीज़ से दूसरी चीज़ हिंडर्स हो रही है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी कि हो सकता है कि हमने कोई ऐसी चीज़ सीखी जिसकी वजह से हमारी जो दूसरी एक लर्निंग थी वो एक तरीके से हिंडर हो गई, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ कमी आ गई वगैरह वगैरह, तो वो हो गया निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वी ट्रेन द राइट आर्म, जब हम एक, जैसे मान लीजिए हम अपने दोनों हाथों को ट्रेन करते हैं, तो उनमें से अगर मान लो हम राइट आर्म को, यानी कि हम अपने राइट, एक तरीके से हम कह सकते हैं सीधे हाथ को ट्रेन कर रहे हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो जब उसका असर हमारे बाएं हाथ पे भी पड़ता है, ठीक है, एक हमारा जो दाएं हाथ है एक बाएं हाथ है, तो दाएं हाथ से अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो जब इसका इफेक्ट बाएं हाथ पे पड़ता है तो इसको हम कहते हैं बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये हमारा ए ऑप्शन ठीक है। तो मैं इसमें आपको दोबारा बार बार क्वेश्चन पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ आप ये काम जरूर कर सकते हैं कि आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं बार बार। When a previously learned skill is applied, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए, जब हमने कोई previously, यानी कि पहले जब कभी कोई स्किल अगर सीखी है, ठीक है, और उसको हमने रियल लाइफ सिचुएशन में जो बिल्कुल डिफरेंट थी, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन में जब हम उसको अप्लाई करते हैं एक तरीके से, तो हम उसको कहते हैं एप्लीकेशनल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, यदि हमने कोई स्किल सीखी थी और उसका रियल लाइफ सिचुएशन में जब हम सामना करते हैं और रियल लाइफ सिचुएशन में हम उसको अप्लाई करते हैं उसका, ठीक है, तो वो चीज़ होती है एप्लीकेशनल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझें। ठीक है, अगर आप फिजिकल एजुकेशन बहुत सिंसियरिटी से पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, तो पूरा देखा करें आप और नेक्स्ट वीडियोज़ भी आप देखें, और जहाँ तक हो सकता है, मैंने आपको बोला था कि मैं 3 वीडियोज़ आज दूंगा आप लोगों को, लेकिन अभी मैं ये दूसरी वीडियो ही अपलोड कर रहा हूँ, और जैसे ही टाइम मिलता है मैं आज, मतलब जो भी आज डेट है, ठीक है, 7 अगस्त 2020 है, तो मैं आज तीसरी वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इफ़ द लर्निंग ऑफ अ स्किल, कोई स्किल सीखते हैं तो वो इन्फ्लुएंस करती है दूसरी लर्निंग के सीखने पर, ठीक है, येट टू बी लर्न्ड। अभी मैं आपको बता देता हूँ, इफ़ द लर्निंग ऑफ अ स्किल इन्फ्लुएंसेस द लर्निंग ऑफ अ स्किल येट टू बी लर्न्ड देन इट इज़ कॉल्ड। मान लेते हैं हमने कोई चीज़ सीखी और वो चीज़ काम आ रही है उस चीज़ में जो चीज़ जो अभी हमने जिस चीज़ को सीखा ही नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं हमने पेंसिल से काम करना सीखा, ठीक है, लेकिन अभी हमने पेन से काम करना नहीं सीखा, तो हम पेंसिल से काम करना जो सीखना है हमारा वो काम आएगा पेन से जब हम काम करेंगे उसमें, क्योंकि हम पेन पकड़ने का स्टाइल जो है, यानी कि चाहे पेन को पकड़ो चाहे पेंसिल को, एक ही स्टाइल होता है, तो पेंसिल पकड़ने का जो स्टाइल है वो हमें हेल्प करेगा पेन को पकड़ने के स्टाइल में, तो उसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इफ़ अ स्किल रिसेंटली बींग लर्न्ड अफेक्ट्स द प्रीवियसली लर्न्ड स्किल देन इट इज कॉल्ड रेप्रोएक्टिव। मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने कोई चीज़ सीखी, ठीक है, और उससे हमारी कोई पुरानी सीखी हुई चीज़ इम्प्रूव हो गई, कोई सीखी हुई स्किल इम्प्रूव हो गई, ठीक है, ऐसा ये चीज़ हो जाती है।
तो इसको हम कहते हैं रिप्रोएक्टिव। क्या बोलते हैं इसको हम? रिप्रोएक्टिव। इसको ध्यान से समझना, जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसको हम प्रोएक्टिव कहेंगे, और इसमें जो हमारा ये हमने पढ़ा 14 में इसको हम कहेंगे रिप्रोएक्टिव। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बार बार आप सुनिए, समझिए, और आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझ पाएंगे। इमोशंस, इमोशंस क्या भाई? ये बहुत ही अफेक्टिव एक्सपीरियंस होता है जो दैट अकंपनीज जनरलाइज्ड इनर एडजस्टमेंट एंड मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल, ठीक है, स्टेट अप स्टेट्स इन द इंडिविजुअल दैट शोज इटसेल्फ इन हीज ओवर्ड बिहेवियर। ये जो डेफिनेशन है ना, क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। इसमें क्या बताया गया है कि जो इमोशंस है ना, बहुत अफेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होते हैं, ठीक है, और मेंटल फिजियोलॉजिकल, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो आप इस डेफिनेशन को ज़रूर अच्छे से समझ लीजिएगा, और इसको ये देख लीजिएगा, ये डेफिनेशन क्रो एंड क्रो ने लिखी है, ठीक है, ये दी है। किसने दी है? क्रो एंड क्रो ने दी है। तो अब हम समअप कर लेते हैं। तो भाई हमने आज 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया, आगे क्वेश्चंस नहीं है अभी। और हाँ, मैं जो अभी थर्ड वीडियो के बारे में बात कर रहा था, वो हो सकता है आज ही अपलोड कर दूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। और हाँ, आप अगर इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा नंबर है 9627578716। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, और हमारे वीडियो के लास्ट में जो इमेज हम चलाते हैं उसमें भी नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है, नंबर मिल जाएगा उस इमेज में आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली, थैंक यू।